मैं सालार से प्यार करती थी, मैंने आज तक उसके अलावा किसी और का सोचा भी नहीं है। कैसे कर लूं मैं किसी और से शादी? अब तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। हमेशा आप पर ही भरोसा किया है मैंने, मगर आप भी कुछ नहीं कर सकी मेरे लिए। आप मुझसे प्यार करती हैं? बताएं ना पापा, क्या आप मेरी सरार से शादी कराएं? मिल लिया आपने अपने भाई की बेटी को? आपके भाई के साथ शादी के बाद मैंने अपना माजी भुला दिया था, लेकिन आज आपने मुझे फिर से मेरा माजी याद करा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं जिस जगह से आई थी वहां की औरतें कैसी होती। एक और बात, आपको मेरी बेटी के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं जो अच्छा समझूंगी वही करूंगी। माजी, आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। मैं इतनी बेचैनी से आप ही का इंतजार कर रही थी। मामा ने आपसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? माजी, आप मामा की बात का बुरा मत बनाइएगा। उन्हें तो आप जानती हैं, वो बोलने से पहले सोचती नहीं है। अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है। फिलहाल मुझे परेशानी आलिया की है, उससे मिलकर मेरी परेशानी और बढ़ गई है। उसने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। जी माँ जी, उसके लिए तो मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ, लेकिन इसमें उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है। आपने जो उससे वादा किया था सो किया था। आपके भरोसे मैं भी उसे सालार के ख्वाब दिखाती रही। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे, पता नहीं वो इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करेगी। मेरा ख्याल था कि मैं उसे समझा लूंगी, मगर उसकी दिमागी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उमा, तुम उसकी बड़ी बहन हो, ऐसे मौके पर तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। माँ जी, मैंने कोशिश की थी उसे समझाने की,
अगर वो मेरे बस से बाहर है, लेकिन उसे आपकी बातें समझ नहीं आई तो मेरी बातों का क्या असर होगा? माँ जी, अगर आप कहें तो मैं उसे कुछ दिन के लिए यहाँ ले आऊं। नहीं, वो सालार और उसकी बीवी को देखेगी तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। जी माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा माँ जी। जानती हूँ कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे अलावा किसी से शादी का सोच भी नहीं सकता मैं। तुम ठीक तो हो ना सारा? जी मैं ठीक हूं। तुमने बताया नहीं कि वो लड़का कौन था? मैं
मैं नहीं जानती वो कौन था। आप क्यों पूछे जा रहे हैं बार बार मुझसे इस बारे में? पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, ऐसे जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता होता है। कैसी बातें कर रहे हैं सलार? क्या रिश्ता हो सकता है मेरा उससे? कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है सारा, तुमने कह दिया यही बहुत है। मुझे जो लगा मैंने तुमसे कह दिया, यकीन नहीं है मेरा वहम होगा। एनीवेज तुम रिलैक्स करो, मैं भी जरा चेंज करके आता हूं। सलमान, सलमान सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आपसे बात कर रही हूँ। सलमान आर यू ओके? आई एम ऑलराइट। नहीं मुझे आप ठीक नहीं लग रहे, बताएं क्या हुआ है? तुम प्लीज थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ देती हो? ठीक है। जी यकीन करो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की मोहलत मांग रही हूं। बुलाया था आपने मुझे? हाँ बैठो। कहाँ गए थे आज? बस यूं ही घूमने गए थे बाहर। सारा ने कुछ शॉपिंग करनी थी और हमने खाना भी बाहर ही खाया। दारुल अमान भी गए थे। जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है? जी
जब मैंने उसे मना किया था कि वो वहां नहीं जाएगी, उन लोगों से नहीं मिलेगी, फिर भी तुम उसे वहां लेकर गए। मॉम, उसने इतना अरसा उन लोगों में वहां गुजारा है, वो उसकी फैमिली की तरह, उनसे ताल्लुक तोड़ते तोड़ते भी तो वक्त लगेगा ना उसे। तुमसे ताल्लुक जोड़ने में तो उसे वक्त नहीं लगा, फिर उनसे ताल्लुक तोड़ने में क्यों वक्त चाहिए उसे? सालार, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मैंने इस घर में कबूल किया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करते फिरो। जितना कर चुके हो वो काफी नहीं है क्या? अभी तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की मैंने, और मैं नहीं चाहती कि लोग आके मुझे तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देते फिरे। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को घर की चार दीवारी में ही रखो। जी, अब तुम जा सकते हो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और शाम में शायद वापसी पे थोड़ी देर हो जाएगी। मैं भी थोड़ी देर तक ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल हो गया। इट्स ओके सलमान, बर्थडे तो एक दिन का होता है ना, अच्छा या बुरा दिन गुजर ही जाता है। लेकिन प्लीज किसी दिन मेरे पास आके ये मत कहिएगा कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई। सालहर। जी मॉम। बेटा, रात जिब्रान का फोन आया था, वो आज वापस आ रहा है। अच्छा, अरे मॉम ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा तनवीर गांव गया हुआ है जमीनों पर, तुम ऐसा करो कि किसी को ऑफिस में कह दो एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जिब्रान को। मॉम किसी को कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद एयरपोर्ट जाऊंगा। बहुत सी बातें करनी है मैंने उनसे। चलो ये भी ठीक है। अच्छा तुम फ्लाइट का टाइम कन्फर्म कर लेना, देखो ये ना हो कि तुम किसी काम में लग जाओ और भूल जाओ और जिब्रान वहां इंतजार करता रहे। ऐसा कैसे हो सकता है, आपके बेटे को इंतजार करना पड़े, मैं वक्त पर पहुंच जाऊं। चल ठीक है। ओके सर, बाय। अल्लाह हाफिज। से बाद किसी अपने को देखा, मगर मेरी बदनसीबी कैसी है, उससे कोई बात नहीं कर सकी मैं। सलमान तो जरूर अम्मी अबू से मिलता होगा। हाँ, उसने तो अब तक मेरे बारे में बता दिया होगा, पता नहीं वो मेरे बारे में जाने बगैर क्या सोच रहे होंगे। काश मैं मिल सकती सबसे।
फूफो आलिया। हाँ तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। बस अभी आई हूँ। बहुत अच्छा किया, मम्मा से मुलाकात हुई? नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आओ आओ बैठो। ये बताओ कैसी हो तुम? कल तक बहुत दुखी थी लेकिन अब बेहतर हूँ। दरअसल फूफो, सालार की शादी ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। मैं बहुत रोई भी थी लेकिन इस सारे वक्त में मुझे एक बात समझ आ गई कि जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको मिल ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। आई एम सॉरी फूफो, मैं कल आपके साथ बहुत हार्श हो गई थी। बगैर ये सोचे कि आपने हमेशा मेरा भला चाहा है और जो कुछ भी सलार ने किया उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज जो भी मैंने आपको कल कहा वो सब भूल जाएं और मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूं मैंने अपनी बातों से आपको बहुत दुखी किया। दुखी तो मैं हूं लेकिन तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि अपने किए हुए उस वादे से जो मैं पूरा नहीं कर सकी। लाख चाहते हुए भी मैं तुम्हारी सालार से शादी नहीं करवा सकी। लेकिन बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा हक, तुम्हारी खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है पप्पू। हेलो जी, आप पहुंच गए हैं? अच्छा चलिए, बस आप जल्दी से घर आ जाएं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही हूँ। जी मैं सब जानती हूँ, आप घर आए तो सही। ओके खुदा हाफिज़। मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था कि फाइलें लेके आप घर आ जाएं, मगर आप नहीं आए। नहीं नहीं, अब आने की ज़रूरत नहीं है, वो जिब्रान पहुंचने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं आपको दे सकूं। जी ठीक है, ओके। माँ जी जिब्रान आ गए। आ गया है वो? कहाँ है, आया नहीं उससे मिलने? माँ जी अभी तक घर नहीं पहुंचे, मेरी फोन पर बात हुई थी उनसे, सालार उनको एयरपोर्ट लेने गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा खैर खैरियत से घर पहुंच गया है। तुमने उसकी पसंद का खाना तो तैयार करवा दिया है ना? जी माँ जी, मैंने कह दिया था, बल्कि अब तक तो तैयार भी हो गए होंगे, जैसे ही वो घर आते मैं खाना लगवाती हूँ। चल ठीक है। सारा, क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। आओ मेरे साथ, तुम्हें भाई से मिलवाना है। अच्छा एक मिनट रुके, तो अभी आओ, वी डोंट हैव टाइम, वो नीचे वेट कर रहे हैं हमारा। अच्छा कम ऑन। भाई
सारा से मिले। ये सब कुछ जो कुछ आपको मिला ये आपकी काबिलियत है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी ये शक्ल अच्छी लगी थी इसलिए। सारा क्या हुआ है तुम्हें? तुम भाई से इस तरह मिले बगैर यहां पे वापस क्यों आ गई हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें हुआ क्या है? वो आपके भाई है? हाँ, वही तो है जिब्रान भाई, बल्कि वो सिर्फ मेरे भाई ही नहीं, मेरे लिए मेरे बाप की जगह पे हैं। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह तुम उससे मिले बगैर यहां पे वापस आ गई। आपके इसी भाई की वजह से आज मैं साहब भी सब कुछ छीन लिया आपके भाई ने मुझसे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे सारे सपने छीन लिए। वो एक हैवान है, हैवान। बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे बाप जैसे भाई के बारे में इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हो? तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? हाँ। चलो उठो, मिलो चल के भाई से। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनसे बाद में मिलूंगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर हूं। आप यहाँ? हाँ। मैं और माँ जी कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ आके खड़े हो गए, क्या बात है? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो, बताएं तो सही बात क्या है? नहीं,
कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो ऐसे बुत बने क्यों खड़े? चलिए माँ जी इंतजार कर रही हैं। नहीं उनसे मैं बाद में मिल लूंगा। ये क्या बात हुई? आज से पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं किया। जब भी आते हैं सबसे पहले माँ जी को मिलते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ठीक हूँ मैं, अब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो चलिए 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 मेरे साथ चलिए। अरे आ गए तुम? जी। कैसी हो? ठीक हूँ। आओ बैठो। काफी दिन लगा दिए हैं तुमने, कैसा रहा तुम्हारा टूर? सारे काम हो गए? जी सब ठीक हो गया। हुमा बेटा जाके देखो खाना तैयार है तो लगवा दो, मैं कुछ देर अपने बेटे के साथ बातें कर लूं। जी माँ जी मैं देखती हूँ। क्या बात है, लगता है तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, चुप चुप क्यों हो? हाँ कुछ थक गया हूँ मैं, अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर आराम कर लो। मैं खाना खा लो पहले। अभी भूख नहीं मुझे, बाद में खा लूंगा। जिब्रान बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं आप? कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा चलें आप फ्रेश हो जाएं, मैंने खाना लगवा दिया।